वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि एकदम कट्टर नजर आती है और हमेशा वो मंच से हिंदू और हिंदुत्व की बातें करते हुए भी नजर आते हैं। यही वजह है कि विपक्ष लगातार ये कहता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, एक विशेष समुदाय के साथ गलत हो रहा है। योगी आदित्यनाथ एक विशेष समुदाय को नजरअंदाज करते हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। विपक्ष कहता है कि योगी के शासन में मुसलमानों को दबाया और कुचला जा रहा है। विपक्ष के इन सारे आरोपों का जवाब सीएम योगी ने पहली बार दिया है। दरअसल न्यूज 18 चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने एक सवाल के जवाब में मुस्लिमों से अपने रिश्ते की बात की। योगी ने सवाल के जवाब में कहा कि मेरा मुसलमानों से वही रिश्ता है जो उनका मुझसे है। इसके बारे में और विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि जो भी भारत और भारतीयता की बात करता है उससे हमेशा लगाव रहा है और रहेगा। योगी ने मुसलमानों से अपने रिश्ते के बारे में सवाल को और आगे बढ़ाते हुए कई उदाहरण दिए जो उनके और पीएम नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान हो रहे हैं। योगी ने कहा कि मेरी सरकार में मोहसिन रजा मंत्री हैं, इसी तरह केंद्र की मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी भी मंत्री हैं। उन्होंने केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का भी उदाहरण दिया। योगी ने कहा कि सरकारी योजनाओं को उन्होंने बिना किसी भेदभाव के लागू किया है और केंद्रीय योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को दिया गया। योगी ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में बीजेपी की सरकारें तुष्टिकरण की नीति पर नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से तुष्टिकरण की राजनीति खत्म हो गई है। यूपी में बिना जाति या धर्म देखे हर किसी को सबका साथ सबका विकास की नीति से जोड़ा गया। उन्होंने इंटरव्यू में साफ कर दिया कि दोबारा सरकार बनने के बाद भी गुंडों और माफिया के खिलाफ सरकार का अभियान पहले की तरह ही जारी रहेगा। यह पहली बार होगा जब योगी ने मुसलमानों से रिश्ते पर अपनी बात रखी। बता दें कि योगी अपने तल्ख तेवर के लिए जाने जाते हैं और यही उनकी खासियत भी है और उन्हें खास भी बनाता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।